नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाव। आपके साथ मैं बुशरा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए कानून को लागू करने की खबरें तेज हो रही हैं। गौरतलब है कि सीए का देशव्यापी विरोध हुआ था। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह दंगे हुए और कई लोगों की जान तक गई। कई आंदोलनकारी आज भी जेलों में कैद है, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर सीए कानून की लहर असम चुनाव में जोर पकड़ रही है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भाजपा प्रमुख रंजीत कुमार दास ने एनआई को यह बयान दिया है कि पार्टी जल्द ही नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करेगी। असम में 126 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाले हैं। असम चुनाव 3 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 2 मई से शुरू होगी। चुनाव का समय है, सभी पार्टियां जनता को रिझाने में लगी है, सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। और इसी बीच मजूली में एनआई से बात करते हुए भाजपा प्रमुख रंजीत कुमार दास ने कहा, असम चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है, लेकिन बीजेपी के नेता सीए के मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि संसद से इसकी मंजूरी के बाद असम के कानून के खिलाफ काफी विरोध देखा गया था। इसके आगे भाजपा प्रमुख कहते हैं, हमने संसद में विधेयक पारित किया है और हम इसके साथ खड़े हैं। एक बार जब इसके लिए रेगुलेशन पूरे हो जाते हैं और अगर हम असम के सत्ता में वापस आते हैं तो हम सीए को लागू करेंगे। चुनाव के समय भी इस मुद्दे पर वापस जाने का कोई सवाल नहीं उठा। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वादों को लेकर एनआई के सवाल किए जाने पर कि सीए को असम में लागू नहीं होने देंगे, जिसके जवाब में रंजीत दास कहते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि राहुल गांधी सीए के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी गांधी की तुलना में सीए के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं। दास ने कहा, विधानसभा चुनाव पर सीए का कोई असर नहीं होगा और असम की जनता ने इसे पहले साफ कर दिया था। जब नागरिकता का मुद्दा अपने चरम पर था तो हमने पंचायत चुनाव में भाग लिया था लोगों से यह पूछने के लिए कि क्या कोई विदेशी असम में प्रवेश कर सकता है। हमने उस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। सीए का मुद्दा 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी खराब हो गया था, लेकिन भाजपा 7 से 9 सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ाने में सफल रही। तो वहीं भाजपा राज्य प्रमुख ने दावा किया है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में सीए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग इमोशनल होकर नहीं बल्कि सोच समझ कर वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ थे कि असम में कोई भी विदेशी अवैध रूप से नहीं बस सकता है जब तक कि राज्य में भाजपा का सत्ता है। तो वहीं राहुल गांधी की असम की जनता को दिए गए 5 वादों पर दास ने कहा, कांग्रेस कोई भी वादा कर सकती है क्योंकि वह ना तो सत्ता में है और ना ही भविष्य में सत्ता में आएगी। हम सरकार में हैं और हम इन चुनावों के बाद फिर से सरकार बनाएंगे। हमने ऐसे वादे किए हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। चाय बगान श्रमिकों को 365 रुपए का राहुल गांधी ने जो वादा किया है वो असंभव है। अगर आप मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपए कर देंगे तो राज्य के सभी बगान बंद हो जाएंगे और श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अब बात नागरिकता संशोधन कानून की। दरअसल इस कानून का उद्देश्य पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अवैध रूप से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता दिलवाने के लिए पारित किया गया था और इस कानून से मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से महरूम रखा गया था। आपको बता दें, हमारे देश में असम के शरणार्थी संख्या तकरीबन 19 लाख है, जिसमें से 14 लाख गैर मुस्लिम है। इसलिए यह गौर करने की बात है कि दूसरे देश से आए लाखों लोगों को नागरिकता मिलने के बजाय उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए लोगों को सरकार के सामने नागरिकता साबित करने तक डिटेंशन कैंप में रहना होगा और लोग कैदियों की तरह सरकारी देखभाल के लिए मजबूर होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी खुद को शरणार्थी घोषित करने के लिए सरकारी केंद्रों में भाग लेंगे कि वे अवैध हैं? अगर नहीं तो सरकार उन्हें कैसे पहचानेगी? और जिन शरणार्थी मुस्लिम के पास कोई कागज नहीं है, क्या उन्हें कोई देश अपनाएगा? और नहीं अपनाने पर भारतीय सरकार उन मुसलमानों के साथ क्या करेगी? ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाव। हमारे दी कंटाव चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।